गुड इवनिंग खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौड़। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम जा रहे हैं बड़जन, मतलब जो मेरा नांदेड़ सासरा है वहाँ। तो मेरे नांदेड़ सासरा जाने की तैयारी हो गई है, मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। वैसे जा तो एक दिन के लिए रही हूँ, कल जाएंगे सुबह, जल्दी जाएंगे, मतलब 5-6 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, और फिर या तो कल शाम को वापस या फिर परसों। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह रख लिए हैं, 2 कॉटन के सूट लिए हैं, 1 पोशाक लिए, क्योंकि वहाँ शादी है 16 की, तो मतलब को डांस वगैरह होगा तो शाम को पहन लेंगे, और मम्मी वहीं रुकेंगे क्योंकि मम्मी शादी में जा रहे हैं, और हम या तो कल शाम को वापस या फिर 15 को सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो बस आज इसी में बिजी थी, मम्मी के कपड़े वगैरह तैयार किए, और अभी एक सूट आयन करना है मम्मी का, तो वो करूँगी। तो बस आज यही चल रहा था काम। तो अभी मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है, और अब सबके आने में थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि रात को सूखती नहीं है, ठंड भी लगती है, तो अभी हीटर के सामने बैठ कर मेहंदी लगा लूँगी और सुखा लूँगी, तब सब आएंगे तब तक सूख जाएगी मेरी मेहंदी। मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ मॉर्निंग, तो अभी मैं नहा ली हूँ, सुबह 6:30 बज रहे हैं और मैं नहा ली, और 7 बजे तक हम निकलेंगे। तो बस पहले चाय पी लेते हैं, फिर होंगे तैयार। तो चाय भी बन रही है, चाय पी के फिर तैयार होंगे और शेयर करेंगे आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस रेडी होने के बाद मिलते हैं आपसे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। घूम रहे क्यों? बस चक्कर आ जाएगा ना। घूम रहे क्यों? फाइनल लुक दिखा, बताई ये दिख जाता पूरा दिखाऊं। तो ये हमारा सामान है ले जाने का, मतलब इसमें से आधे ये मामूसा का सामान है, थोड़ा थोड़ा हमारा है, ये हमारा सामान, ये मम्मी का बैग। आज तो मम्मी पूरा भर लिया, चार पांच थे। तो हम आ गए हैं शोभा ईजा के यहाँ, और हमारा गाड़ी में सामान रख रहे हैं, और ये ब्लॉग बनाते हुए। सब कुछ बेच नहीं है, और गाने चल रहे हैं, बताओ कॉपीराइट आ जाएगा, बताओ अब बताओ दोबारा। किसी को लेने हो तो शोभा भाई साहब टप बेचने वाले, कपड़े बेच लिए इन्होंने, मेरे को टप दिख रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ यार मेरे को टप लेने, तभी टप बेचेंगे, टप बेचेंगे, किसी को चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो इनसे। हे या जो आओ देखो टप कौन से वाले, वो जो सामने जो सामने रखे हुए हैं, ये वाले टप मन चल रहा है टप लेने का, मन कर रहा है। ऑनलाइन जो आपको कलर चाहिए वो बता सकते हो, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, रेड, पिंक, ग्रे, बढ़िया लीजिए सो, बढ़िया टप ले ना, कई दिन चल रहे। अच्छा मास्टर भांडे दोनों बेचो, दुकान दोनों के जन दोनों बेचे, दोनों बेचे, अच्छे लग रहे टप, लेके जाऊंगी जब आऊंगी ना वापस, सब अब आर तो एक कौन है घुमा जाए, उन्हें पूरा घुमा दिया, इनको रास्ता नहीं मिल रहा, बस रास्ता नहीं मिल रहा, तो गोल गोल घूम रहे हैं वे, नांदेड़ा नहीं मिल रहा, नांदेड़ा घूम गया, नांदेड़ा घूम गया हमारा। ए परी बाबा सुनाई को नहीं, मैं क्यों ठीक चालो जाए, ठीक चालो ए सुनाई को नहीं मारी, राठौड़ बहुत खराब हुए, ये तो सुन रहे हैं जदी उल्टा उल्टा सीधा चल रहे दोनों है जिका साला ही नहीं रेट है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इन राठौड़ छोटे राठौड़ साहब की और बड़े राठौड़ साहब की नहीं सुनी, तो मेरी गलती हो गई, मेरी जुबान टूट गई, और हम लोग गलत आ गए। अरे मैंने ये बोला था कि चलो 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 चलो, ये चलते गए, ये बोल रहे थे कि गलत है गलत है, मैंने बोला कि नहीं सही है चल रहे हैं, मैंने और मासी एक तरफ थे और ये दोनों एक तरफ थे, तो हम लोग आगे गलत और भयंकर खतरनाक गंदी वाली रोड है जिसमें हम चल रहे हैं अभी,
वैसे ही चक्कर लगा रहे हैं कब से, 11 में यही बज गए। हम लोग जयपुर से 8 बजे निकले थे और जबकि 1.5 घंटे का रास्ता है और हमें 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी हम पहुंचे नहीं है, रास्ते में घूम रहे गए। गलत आ गए थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ इन दोनों से, क्षमा करते हैं। आगे से मैं कभी जिद नहीं करूंगी, बोलूंगी नहीं। अब मैं कभी बोलूंगी नहीं, लाइफ टाइम तक नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, थोड़ा बस आज के लिए। नखरा बंद करो, आज के लिए नहीं बोलूंगी, बस रास्ता बहुत खराब है इसलिए वीडियो हिल रहा है थोड़ा। तो फाइनली हम पहुंच गए और हमें मिल गई जगह, पहले हम भी लाते थे पता है, कुएं से पानी लाते हैं। अरे वर्जन मतलब जो मेरा नानी ससुरा है वहाँ, और ये नानी सा की तस्वीर है यहाँ पर। मायसा हो रहे तैयार और ये सोबो भाईसा से बनाओ, इधर बनाओ चारने में, थोड़ा सीखो हमसे कुछ, नहीं दिखता कोई। आप खुला इंसान हो मेरे, हमारा पियर है भाई, हम तो खुले रहेंगे ही है, हम क्यों पीछे पीछे रहे। तो अभी जाएंगे हम लोग बालाजी के, आज छोटे हमारे सुंदर से माई सा तैयार है, तैयार होकर। ये मेरी फ्रेंड है, ये इनकी फ्रेंड है, वो मेरी बड़ी बहन है, ये इनकी बड़े बहन है, ये इनके फ्रेंड है, बनाया तो मेरी जीजी है बड़ी। पीए जाने की खुशी देखो इनकी, सही है मम्मी, पीए जाने की खुशी देखो इनके चेहरों पर, बैठ गए गाड़ी में जीजी आ जैसे। हाँ अरे है ना, ऐसा जन्म से उठी ने भी गाड़ी मारे, तो बैठ गए हम लोग गाड़ी में, अब जा रहे हैं बालाजी के, बीजलिया का बालाजी क्यों है, बिजली पड़ी बटे अच्छा, तो वहाँ पे बिजली गिरी हुई थी इसलिए उनको बीजलिया का बालाजी बोला जाता है। सब लोग बैठ गए, बाकी इधर दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, और मैंने सोचा था वहाँ जाना है, बट ये मंदिर तो नीचे का ही है बड़ा, हेलमदास जी ये बालाजी का मंदिर है और यहाँ चिटकी से जोत आती है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तो आज हम भी देखेंगे चिटकी से जोत, और आपको भी दिखाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। चारों तरफ पहाड़ है, यहाँ मामूसा कर रहे हैं जोत की तैयारी, जागते कर रहे हैं। अच्छा।
तो हम जा रहे हैं अभी बिजली वाले बालाजी के, मतलब बालाजी का मंदिर तो यही है ऊपर क्या है। तो सुबह जो कुछ बताओ इनके बारे में, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। यहाँ पे बिजली गिरी हुई है, वो एक खड्डा है, तो हम लोग वही खड्डा देखने जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा आज तक। उषा जी की जिद की वजह से देख के आ रहे हैं, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं इन कांटों में जाके देखने का। बड़े बड़े कांटे हैं। हे राम, कितने घुमासी ये हाथ रही हो जीवन। तो ये देखो, बातें करने वाले को देख इनको देखो, घीस घीस के लाना पड़ रहा है इनको। ऊंची ले है ना, लुगड़ी फाड़ ले, लुगड़ी फाड़ ले, तो मस्त कान फाड़ दे लियो। कि यहां चढ़ना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है यहां चढ़ना। ये लोग आई बड़ी एक्साइटेड हो गए, लेकिन एक खैया तो पार करने के लिए, वो तो नीचे थी, लेकिन वो कितना खड़ा पहाड़ है। अरे खड़ा पहाड़ है खैया। पूनम जीजा को देखो कहाँ से निकल रहा है, जाना नहीं पा रहे। ऊपर मैं तो कौन चढ़ सकूं, नहीं चढ़ाऊंगी तब तो हमें वहां चढ़ना है। अंदर पटकू उठाऊं देखा डग माय ले जा, तू ले ही माने तू तोरी पहाड़ में मार, नहीं चढ़े जा को पहाड़ पर। ओ लल्लू जाले ना पड़ेगा, चढ़े ना पड़ेगा, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया हमने। हां बस थोड़ा सा बाकी है, काई कौन चढ़े बटू उठ ही आया। देखो कितना चढ़ा है, ये वो मंदिर है वहां से यहाँ लग रही है, लेकिन इस दूरी को तय करने में जो हमारी हालत खराब हुई है ना, वो हमें ही पता है, हमें पता है। ये दूरी इतनी कम लग रही है, लेकिन बहुत भारी है। कितनी छलांगे लगाई हमने, वो हमारा जीव जानता है। हमने पहाड़ की चढ़ाई कर ली है पूरी, मतलब थोड़ा सा हो रहा है मेरे लिए तो, बाकी मायसा और पूनम जीजा चढ़ गए। मुझे थोड़ा घूंघट भी निकालना पड़ता है, इस चक्कर में थोड़ी लेट हो गई। रिंकुड़ी ला रहे ला रहे। तो अब देख सकते हो आप हमारी दूरी, हम इतने दूर आए हैं। पानी दिख रहे हो तो कौन नहीं मायसा, पानी उल्लू तो यहाँ पानी बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया अभी तक। सुबह भाई आए हैं इधर से, मैं आई हूँ इधर से, और ये यहाँ पानी है, ये यहाँ पानी है। इसमें बोलते पहले एक बकरी चलाते हुए लड़की मर गई थी, यहाँ बिजली गिरी थी है ना। यहाँ बिजली गिरी थी जिससे ये हुआ है। और ये देखो बर्जन के खेत, और ये देखो मायसा और पूनम जीजा। तो ये वो जगह है
ये पहाड़ के अंदर पानी है क्योंकि यहाँ पे ना बिजली गिरी थी और ये खड्डा बहुत गहरा है, बारिश चाहे ना हो हमेशा पानी रहता है यहाँ पे। और ये हमारी उषा जी आराम फरमा रही है इस खड्डे के पास और अच्छी मेहनत बहुत लगी है आने में। इस सिर्फ इस खड्डे को देखने के लिए भी बहुत गहरा है, लेकिन छोटा सा खड्डा पहाड़ के अंदर। रिंकू पीछे पीछे धन्यवाद। आ जाओ देख ला मुंडा देख ला ले तो हम बालाजी के जाकर वापस आए घर, और जो नानी सा मामी सा हमारे साथ वहाँ गए थे वो सब घर आए, तो वहाँ मैंने उनके पगा लगाई करी, और जो नहीं आए थे उनके मैंने घर जाकर की। और मेरे साथ मासी सा गए थे क्योंकि मम्मी के थोड़े सांस में प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा चलने से, तो मासी सा को भेजा मेरे साथ। और मैंने आप लोगों के साथ वहाँ का खाना शेयर नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ मेरे पास नहीं था, बना के पास था, तो जिस टाइम में खाना जिम रही थी और खाने में बना था दाल बाटी चूरमा और बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ ये भाई साहब अपने ससुराल में किसी फैमिली मेंबर को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि वो आए तो आप दिखाना, तो ये वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, तो मुझे थोड़ी शर्म भी आई, अजीब सा लगा। थोड़ी देर से
ने मुझे बर्जन में घुमा घुमा कर मेरी रेल बना दी है। इतनी पका लगवाई करवाई आज ने पूरा बर्जन घुमा दिया इन्होंने और मेरे पेट दर्द होने लग गए। अब तो उतर जाओ, खाना खाना है तो तो हमारी अब घर जाके खाना बनाने की हिम्मत नहीं है तो हम बाहर ही खाना खा कर जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी भूख है तो सोचा थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। कोई मतलब नहीं है तो अभी सबका आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा था। ये अच्छी वाली है, ये अच्छी वाली है। देख आपके बीनड़ी पे मेरी ले देख पुनो भी तो चली दिखा भाई। ये देख पुनो भी तो दिखा ले, बहुत गाड़ी है। अरे यार हां, पुनो नीचे की हमारी सेम है लकोनी। ए सो भाई जा तो खाली जाने गुठले को लगेड़ी का जिंदाम गुठले और गुठले आली ले आ वाले लो भमन दे दो। पूनमड़ी बदतमीज पूनमड़ी बोलता।